सो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप गूगल पे से ट्रेन टिकट बुक किए हैं तो उस टिकट को कैंसिल कैसे करेंगे, उसका रिफंड हाथों हाथ कैसे मिलेगा हमें। मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में लाइव प्रूफ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर आएंगे, सबसे पहले जी पे गूगल पे को ओपन करेंगे, जिस ऐप से हम बुक किए हैं उसी ऐप से कैंसिल भी करेंगे। तो आपको क्या करना है कि गूगल पे में जाना है, गूगल पे को ओपन करेंगे। तो यहाँ से ओपन किया हूँ, कंफर्म टिकट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद बुक नीचे बुक नाउ या ट्रिप, दोनों में से किसी एक पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करने वाला हूँ बुक नाउ पे। क्लिक करेंगे नीचे में जो बुक नाउ है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ट्रिप है इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा दो टिकट आ जाएगा। मैं ऊपर वाले को कैंसिल करने वाला हूँ तो ऊपर वाले टिकट पर क्लिक करूँगा और कैसे करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम टिकट जो हम बुक किए हैं हम किसी को भेजे हैं व्हाट्सएप पे, मैं वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से जाएंगे व्हाट्सएप पे, हम जाएंगे और व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने उस बंदे का टिकट भेजा था लेकिन हमें इसे कैंसिल करना है, वो नहीं जाएगा। तो इसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पर आएँगे गूगल पे पे, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करेंगे। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आपको ध्यान रखना है, गूगल पे से अगर टिकट बुक करते हुए कैंसिल करते हुए आपको 200 रुपया कट जाएगा थ्री टीयर में, ठीक है। मैं 3 AC में थर्ड क्लास AC में टिकट बुक किया हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे 200 रुपया कटने वाला है। यहाँ से मैं टिकट लगाऊंगा और नीचे कैंसिल टिकट पर क्लिक करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका पैसा रिफंड आप कहाँ लेना चाहते हो, बैंक में लोगे या कंफर्म टिकट ऐप के वॉलेट में? तो मैं लेने वाला हूँ बैंक में, हाथों हाथ ये मेरे बैंक में अभी का अभी चला जाएगा। तो रिफंड टू पेमेंट सोर्स पे टिक लगा देंगे और कैंसिल कर देंगे, ये हमारे खाता में पैसा अभी का अभी चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप अगर गूगल पे से ट्रेन टिकट बुक किए हैं तो आप IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप से आप टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, बल्कि इसका डिटेल्स वहाँ शो करेगा, वहाँ से आप टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं को दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ या पिन डाल दिया हूँ, कैप्चा को भी मैं डाल लेता हूँ। कैप्चा को डाल देंगे, सबमिट करेंगे तो ये लॉगिन करेंगे तो इस ऐप में लॉगिन तो हो जाएंगे। मैं उस टिकट को भी दिखा देता हूँ आपको और सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन वहाँ से कैंसिल आप नहीं कर सकते हो। ये नियम बहुत बेकार है कि आप गूगल पे से बुक किए तो गूगल पे से ही आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा नियम इसलिए किया है कि गूगल पे सब कैंसिल करेंगे तो आपको 200 रुपया चार्ज कटने वाला है और यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपको मात्र 50 रुपया या 10-20 रुपया कैंसिल चार्ज कटता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दो टिकट है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, ये रहा वो टिकट, ठीक है। मैं फिर से ओपन करता हूँ, ये रहा टिकट और थ्री बिंदी पर क्लिक करेंगे ऊपर में, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर थ्री बिंदी है, इस थ्री डॉट है, इसी डॉट पर क्लिक करेंगे, कैंसिल टिकट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस नाम के आगे टिक लगाएंगे, ठीक है, चेक मार्क लगाएंगे और नीचे कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से कैंसिल नहीं होगा इसलिए क्योंकि कैंसिल टिकट का चार्ज सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कन्फर्म पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर एरर आ जाएगा, दिस PNR इज नॉट बुक्ड, ठीक है। आप यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकते हो, लाख कोशिश करेंगे ये कैंसिल यहाँ से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे रिवर्स, वापस फिर से जाएंगे वहीं गूगल पे में जाएंगे और वहीं से कैंसिल करेंगे और 200 रुपये का लॉस सहना पड़ेगा हमको, ठीक है फ्रेंड्स। IRCTC से बुक इसलिए नहीं किए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्लो काम कर रहा था ये ऐप, से पैसा फंसने का डर था, इसलिए मैंने वहाँ से बुक किया। लेकिन अब मैं कैंसिल करना पड़ रहा है तो मुझे बहुत बड़ा भरपाई भी करना पड़ रहा है क्योंकि कैंसिल करने पर 200 रुपया चार्ज बहुत होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, अब कैंसिल टिकट पर क्लिक करता हूँ, कुछ सेकेंड रुकेंगे आप, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, आपका टिकट कैंसिल सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। देखिए मैसेज में आ गया आपका PNR नंबर आपका इतना इतना कैंसिल हो गया है और मेरे खाते में 1725 रुपये अभी का अभी ट्रांसफ़र भी हो गया है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र का मैसेज आ गया है जो कि मेरे अकाउंट में 1725 रुपये चला गया। ये टिकट था 1991 रुपये का टिकट था जो कि यहाँ पर देख सकते हो इसमें मेरा 200 रुपये चार्ज कट गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। इसीलिए आप लोग सोच समझ के टिकट को बुक करेंगे कि कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे कि कैंसिल करने पर हमें कम चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 190 रुपये चार्ज ये ले लिया है गूगल पे वाले ने। तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के टिकट को बुक करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म से कहाँ से बुक करेंगे, कम फ़ायदा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा, ठीक है। तो ये हमें नुकसान हो गया 200 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं गूगल पे से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ पूछने वाला कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। 1991 का टिकट था, 1725 रुपये हमको ये वापस किया, 190 रुपये काट लिया। देखिए 10 मिनट में टिकट को कैंसिल किया तो ये उतना पैसा काट लिया। इसीलिए हम लोग खास कर ज़्यादा करके टिकट को बुक नहीं करते हैं गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम से। आपको जब भी टिकट बुक करना पड़े तो आप टिकट को बुक कीजिए
IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, क्योंकि वहाँ से आपको कैंसिल चार्ज बहुत कम कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए मैसेज में आपको सब दिखा रहा है कि कितना पैसा था, कितना मेरे अकाउंट में। देखिए हाथों हाथ ये बात है कि गूगल पे से आप कैंसिल करोगे तो हाथों हाथ आपका रिफंड आ जाएगा। ये देखिए मेरा 1725 रुपया हाथों हाथ ये रिफंड मेरे अकाउंट में चला गया है। इस तरीके से ये सभी मैसेज मेरे यहाँ पर मैं आपको